नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार विराट कोहली ने आज दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन 136 रनों की खतरनाक पारी खेलने के बाद वो कौन से दुनिया के ऐसे बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जानेंगे उन्ही रिकॉर्डों के बारे में, तो आप लोग यहाँ पे एक एक रिकॉर्ड को जरूर जानिएगा, क्योंकि इन रिकॉर्डों को जानने के बाद अगर आप भी विराट कोहली को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो आप लोग उनकी और भी ज्यादा इज्जत करने लग जाओगे। तो ऐसे में एक एक रिकॉर्ड यहाँ पे बहुत ही खतरनाक है, और वहीं अगर आप भी विराट कोहली को एक महान खिलाड़ी मानते हो तो अभी से वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी पता चल सके विराट कोहली के इन रिकॉर्डों के बारे में। तो वहीं अगर आप हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, तो वहीं दूसरे टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने पहले टॉस जीतते हुए बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जिसके चलते बांग्लादेश की टीम की बल्लेबाजी कुछ ज्यादा खास देखने के लिए नहीं मिली और बांग्लादेश की टीम मात्र 106 रनों के ही निजी स्कोर पर पूरी तरीके से आउट हो गई। तो जिसके चलते भारतीय टीम बांग्लादेश के 106 रनों के जवाब देने के लिए उतरी मैदान पर, और पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाए थे, जहां पर विराट कोहली 59 रनों पर नाबाद थे। तो वहीं चितेश्वर पुजारा 55 रनों पर आउट हो गए थे और अजिंक्य रहाणे 23 रनों पर नाबाद थे, जिसके चलते भारतीय टीम ने आज दूसरे दिन अपना खेल आरंभ किया। और ऐसे में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने काफी जबरदस्त पारी खेली। तो ऐसे में विराट कोहली का साथ देने उतरे अजिंक्य रहाणे ने 69 गेंदों में 51 रनों की बेहतरीन पारी खेली। और वहीं विराट कोहली की बात की जाए तो विराट कोहली का तो क्या कहने। जी हां दोस्तों, विराट कोहली ने 194 गेंदों में 136 रनों की पारी खेली, और ऐसे में विराट कोहली ने इस दौरान एक भी छक्का तो नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने 18 चौके लगाए, जिसके चलते सब अनुमान लगा रहे थे कि विराट कोहली आज 200 रन जरूर मानेंगे। लेकिन इबादत हुसैन की एक आसान सी गेंद पर तैजुल इस्लाम को कैच दे बैठे, जिसके चलते विराट कोहली मात्र 136 रनों के ही स्कोर पर आउट हो गए। तो अब ऐसे में भारतीय टीम विराट कोहली के आउट होने के बाद बिल्कुल बुरी तरीके से लड़खड़ा गई, और भारतीय टीम के कोई भी बल्लेबाज कुछ ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। जैसे कि आप सब यहां पे देख पा रहे होंगे कि 9 विकेट भारतीय टीम के हो चुके हैं 340 रनों पर, और रविंद्र जडेजा मात्र 12 रन बनाकर आउट हो गए, रविंद्र चंद्रन अश्विन मात्र 9 रन बनाकर आउट हो गए, और सिक्स हिटर उमेश यादव तो मात्र 0 रन पर ही आउट हुए, और जब उमेश यादव आउट हुए तो उसके बाद ईशान शर्मा है वो भी 0 रन पर ही आउट हो गए। तो ऐसे में भारतीय टीम का अभी एक ही विकेट बचा है खबर बोले जाने तक, और अब देखना होगा कि भारतीय टीम कितने की लीड चढ़ा पाती है बांग्लादेश के खिलाफ, और ऐसे में क्या बांग्लादेश की टीम को भारतीय गेंदबाज इस टारगेट को छूने में अचीव करवा पाएंगे या फिर नहीं, वो तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दोस्तों हम आपको बताएं कि दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन विराट कोहली ने 136 रनों की पारी खेलने के साथ ही काफी बड़े कीर्तिमान अपने नाम किए। तो आइए चलिए एक एक करके सभी रिकॉर्डों को जानते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में जो पहला रिकॉर्ड है वो ये है कि कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर गुलाबी गेंद से विराट कोहली ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों की जमकर खबर ली, और इसी के साथ विराट कोहली ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये 70वां शतक लगाया। और ऐसे में वहीं बतौर कप्तान विराट कोहली 20 टेस्ट शतक अब तक ठोक चुके हैं, और ऑस्ट्रेलियाई महान कप्तान रिकी पॉन्टिंग को उन्होंने इस मामले में पीछे छोड़ दिया। जी हां दोस्तों, बतौर कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने अपने टेस्ट करियर में मात्र 19 शतक ही जड़े थे, और विराट कोहली ने बतौर कप्तान अब 20 शतक जड़ दिए। तो ऐसे में हम आपको बताएं कि दाएं हाथ के बल्लेबाज विराट कोहली ने 70वां अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा, और विराट कोहली ने कुल मिलाकर टेस्ट क्रिकेट में अब तक 27 शतक जड़े हैं, और वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने 43 शतक जड़ दिए हैं। हालांकि T20 में उन्होंने एक भी शतक आज तक नहीं जड़ा है। तो इसी के साथ उन्होंने रिकी पॉन्टिंग के इस रिकॉर्ड को तोड़ा। और वहीं जैसा कि आप लोग यहां पे लिस्ट में भी देख पा रहे होंगे कि अब अगर विराट कोहली एक शतक और जड़ेंगे तो वो रिकी पॉन्टिंग के 71 शतकों के रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे, और फिर वो सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ने की राह पर निकल जाएंगे। तो वहीं अगर आगे बढ़ते हम लोग बात करें दूसरे रिकॉर्ड के बारे में, जो दूसरा रिकॉर्ड विराट कोहली ने तोड़ा वो ये था, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में अब तक 26 शतक लगा चुके थे, और इसी के साथ स्टीव स्मिथ ने भी अब तक 26 टेस्ट शतक लगाए थे। और ऐसे में दोनों ही क्रिकेटरों के बीच में काफी कड़ा कॉम्पिटिशन होता है कि कौन सा बल्लेबाज ज्यादा आगे निकलेगा, लेकिन यहाँ पे विराट कोहली ने बाजी मारी, और विराट कोहली ने यहाँ पे 27वां अपना टेस्ट शतक लगाया, और उन्होंने स्टीव स्मिथ के 26 टेस्ट शतक के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, बाकी आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। तो वहीं अगर आगे बढ़ते हम लोग बात करें तीसरे रिकॉर्ड के बारे में, जो तीसरा रिकॉर्ड विराट कोहली ने तोड़ा वो ये है कि विराट कोहली भारतीय टीम की तरफ से ऐसे पहले एक बल्लेबाज हुए जिन्होंने पिंक बॉल से अपना पहला शतक लगाया है। तो ऐसे में ये भी एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है, और इतिहास के पन्नों में इस नाम को दर्ज किया जाएगा। तो वहीं अब दोस्तों अगर आगे बढ़ते हम लोग बात करें कि विराट कोहली की कप्तानी
कहानी में सबसे ज्यादा अधिक रन किसने बनाए हैं उन बल्लेबाजों के बारे में, तो चितेश्वर पुजारा इस लिस्ट में सबसे टॉप के नंबर पर पहुंच गए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, उन्होंने विराट कोहली की कप्तानी में 3,560 रन बना लिए हैं। और वहीं अजिंक्य रहाणे इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर मौजूद है 2,802 रन बनाकर, और जो तीसरे स्थान पर मौजूद है वो है मुरली विजय 1,902 रन बनाकर। बाकी आप यहाँ पे टॉप के ऑर्डरों में देख सकते हैं तो छठा नाम यहाँ पे रोहित शर्मा का निकल के आता है जिन्होंने 1,381 रन बनाए हैं। तो ये भी एक सूची निकल के आई है जिसमें चितेश्वर पुजारा ने काफी लंबी बाजी मारी है। तो ऐसे में दोस्तों अब आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली दोनों में से कौन सा बल्लेबाज ऐसा है जो कि रिकॉर्ड बनाने के मामले में सबसे ज्यादा आगे रहता है। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई गई हमारी ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो जैसे कि आप सभी को पता ही कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कल दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन खेला गया, तो वहीं पहले दिन बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं हम आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम 30.3 ओवर में 106 रन पर ही सिमट गई। और वहीं बांग्लादेश की तरफ से सादमान इस्लाम ने 52 गेंदों में सबसे अधिक 29 रन बनाए और लिटिन दास ने 24 रन बनाए। तो वहीं भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करी और ईशान शर्मा ने 12 ओवर में 22 रन देकर 5 विकेट लिए, और इसी के अलावा उमेश यादव ने 3 विकेट चटकाए और मोहम्मद शमी ने 2 विकेट चटकाए। तो वहीं हम आपको बता दें कि पहले दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश के 106 रनों के जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 174 रन बना लिए, और वहीं पहली पारी में अब तक 68 रनों की भी लीड हो चुकी है। तो वहीं भारत की तरफ से मयंक अग्रवाल 14 रन और रोहित शर्मा 21 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं चितेश्वर पुजारा ने शानदार बल्लेबाजी की और उन्होंने 105 गेंदों में 55 रनों की बेहतरीन पारी खेली, हालांकि वो इसके बाद आउट हो गए। तो इसी के साथ पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत के कप्तान विराट कोहली 93 गेंदों में 59 रन बनाकर और अजिंक्य रहाणे 22 गेंदों में 23 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। तो वहीं बांग्लादेश की तरफ से इबादत हुसैन ने 12 ओवर में 61 रन देकर 2 विकेट लिए हैं, और वहीं अल अमीन हुसैन ने 14 ओवर में 49 रन देकर 1 विकेट लिया है। तो अब ऐसे में आइए चलिए बात करते हैं विराट कोहली के बारे में जिन्होंने इस मैच में 59 रनों की बेहतरीन पारी खेली है। तो ऐसे में दोस्तों 59 रनों की पारी खेलने के बाद विराट कोहली ने काफी बड़े कीर्तिमान नाम किए हैं अपने। तो आइए चलिए एक एक करके सभी रिकॉर्डों को जानते हैं कि आखिरकार विराट कोहली ने कौन कौन से वो रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 32 रनों की पारी खेलते ही विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान 5,000 रन भी अपने पूरे कर लिए। तो वहीं विराट कोहली ने 53 टेस्ट मैचों की 88 पारियों में कप्तान के तौर पर 5,000 टेस्ट रन अपने पूरे करे हैं, और इसी के साथ रन मशीन विराट कोहली क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे तेज 5,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो वहीं विराट कोहली के बाद इस लिस्ट में रिकी पॉन्टिंग का नाम आता है जिन्होंने 54 टेस्ट मैचों की 98 पारियों में कप्तान के तौर पर 5,000 टेस्ट रन अपने पूरे किए थे। तो ऐसे में विराट कोहली बतौर कप्तान 53 टेस्ट मैचों की 88 पारियों में करीब 63 के औसत से 5,000 रन बना चुके हैं, और इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से 19 शतक निकले हैं जहां पर उनका जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर रहा है वो नाबाद 254 रनों का रहा है। तो ऐसे में विराट कोहली का पहला रिकॉर्ड तो यही हुआ कि जो उन्होंने 5,000 अपने टेस्ट रन पूरे किए वो, तो वहीं रोहित शर्मा दूसरे पायदान पर फिसल गए जो कि पहले पायदान पर बैठे हुए थे। तो इसी के चलते रोहित शर्मा ने इस साल 17 बार 50 से ज्यादा रनों की अंतरराष्ट्रीय पारियां खेली हैं, और जबकि विराट कोहली 18 बार 50 या फिर उससे अधिक रनों की पारियां खेल चुके हैं जिसके कारण वो अब पहले पायदान पर विराजमान हो गए। तो वहीं जैसा कि आप सभी यहाँ पे लिस्ट को भी देख पा रहे होंगे, जो विराट कोहली के बाद है वो है रोहित शर्मा, और तीसरे स्थान पर है क्विंटन डिकॉक, चौथे पर पॉल स्टीलिंग, बाकी बाबर आजम वगैरह ये सब आते हैं। तो ऐसे में दोस्तों एक और रिकॉर्ड है जो कि विराट कोहली इस साल तोड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एक साल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों के, तो ऐसे में विराट कोहली इस बार हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर का ये महारिकॉर्ड तोड़ दे। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। तो ऐसे में दोस्तों कयास लगाए जा रहे हैं कि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, और वहीं रोहित शर्मा का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। हम आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने इस साल वर्ल्ड कप में 5 शतक लगाए थे, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने पहले टेस्ट में 2 शतक लगाए, और जनवरी में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक वनडे शतक शामिल किया था। तो ऐसे में रोहित शर्मा के पास सचिन तेंदुलकर का ये महारिकॉर्ड
रिकॉर्ड तोड़ने का काफी अच्छा मौका है। अगर उनके शतकों को सबको मिला दें तो 5-2 उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई गई ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। मिलेंगे अगली ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।